दोस्तों अगर आप बैटरीज का इस्तेमाल करते हो चाहे अपने घर में या फिर कार में, तो दोस्तों थोड़ा सा समय देकर आप इस वीडियो को देख के जाइए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। आप लोग तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा देकर बैटरीज को तो खरीद लेते हो, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता है बैटरी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, बैटरी का बैकअप भी आपको कम देखने को मिल सकता है और बैटरी जल्दी जल्दी खराब होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक लेड एसिड बैटरी को किस तरह से चेक किया जाता है, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्यों एक लेड एसिड बैटरी अपना समय से पहले बैकअप को कम कर देता है या फिर खराब हो जाता है, मतलब बैटरी खुद ब खुद बैकअप कम कर देता है या फिर हम लोग जाने में अनजाने में बैटरी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बैटरी का खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ एंड आप सबको एक नया वीडियो के साथ मैं फिर से इस चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग बैटरी को क्यों चेक करेंगे, नॉर्मल सी बात है, जब बैटरी से हमें बैकअप नहीं मिलेगा तब हम लोग बैटरी को चेक करेंगे। अब दोस्तों बैटरी का बैकअप ना मिलने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकता है, उसमें से दोस्तों एक है बैटरी का डीप डिस्चार्ज हो जाना। डीप डिस्चार्ज मतलब देखिए दोस्तों, एक लेड एसिड बैटरी 70% पावर हमें देता है यूज करने के लिए और 30% पावर थ्रू इन्वर्टर ये खुद के पास रख लेता है। जब हम इस 30% पावर को कंज्यूम कर लेते हैं बैटरी से, तब एक बैटरी डीप डिस्चार्ज मोड में चला जाता है। ये डीप डिस्चार्ज कैसे होता है, देखिए दोस्तों कभी कभी हम लोग बैटरी को चार्ज करके लंबे समय तक छोड़ देते हैं, यूज नहीं करते हैं, तब दोस्तों एक बैटरी खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाता है और लंबे समय तक चार्ज ना करने की वजह से ये डीप डिस्चार्ज मोड में चला जाता है। दूसरा जो रीजन है, देखिए दोस्तों कभी कभी हमारे घर में लंबे दिनों तक बिजली नहीं आता है, जैसे बारिश के मौसम में या फिर जब ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, एक हफ्ते दो हफ्ते के लिए बिजली नहीं आता है, तब हम लोग तो बैटरी को यूज कर लेते हैं और कुछ दिन बाद, मतलब एक दिन या फिर 6-7 घंटे बाद जो इन्वर्टर हमें बैटरी लो का सिग्नल दे देते हैं, हम लोग तब इन्वर्टर को तो ऑफ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन बाद, दो दिन बाद जब हमारी मोबाइल को चार्जिंग करने की जरूरत होता है या फिर कुछ एसेंशियल इक्विपमेंट आपको चलाने की जरूरत होता है, आप इन्वर्टर को ऑन करके बैटरी का जो 30% पावर है ना उसको भी आप कंज्यूम कर लेते हो। कोई कोई तो ऐसा भी करता है, मतलब जो डायरेक्टली डीसी बल्ब या फिर डीसी फैन को बैटरी के दो टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके बैटरी का जो 30% पावर है उसको भी कंज्यूम कर लेते हैं और बैटरी को एकदम डीप डिस्चार्ज कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आपका इन्वर्टर सिग्नल दे रहा है बैटरी लो करके, तो आपको बैटरी को पहले चार्ज करना है, दोबारा इसको यूज करना है। दोस्तों बैटरी का बैकअप कम होने के पीछे दूसरा जो बड़ा रीजन है, लोगों को बैटरी के बारे में ज़्यादा जानकारी ना रहना, या फिर आप कह सकते हो बैटरी के ऊपर ज़्यादा ओवरलोड डाल देना। अब दोस्तों बैटरी का एक रेटिंग आता है सी रेटिंग, जिसे हमें बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट के बारे में पता चलता है। मार्केट में नॉर्मली दोस्तों C10 और C20 रेटिंग का बैटरी अवेलेबल होता है, खास करके लेड एसिड बैटरी में C10 थोड़ा महंगा आता है जो हम लोग सोलर सिस्टम में यूज करते हैं, और C20 हम लोग इन्वर्टर बैटरी में यूज करते हैं। अब दोस्तों ये सी रेटिंग क्या होता है, ये समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल में आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास C10 का एक बैटरी है जो 100 वाट पावर को स्टोर कर सकता है। अगर आप इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 10 वाट पावर से चार्ज करेंगे तो आपको 10 घंटे टाइम लगेगा, मतलब C10 मतलब 10 घंटे में ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा कम पावर देके चार्ज करेंगे तो बैटरी ज़्यादा टाइम लगेगा चार्ज होने में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप 10 वाट से ज़्यादा पावर से चार्ज करेंगे, मतलब मान लीजिए आप 20 वाट से पावर देके बैटरी को चार्ज करेंगे, वहाँ पे दोस्तों बैटरी 5 घंटे में चार्ज हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन ये कहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे C10 बैटरी होने की वजह से बैटरी ज़्यादा ओवरहीटेड हो जाएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी है 10 घंटे में चार्ज होना, और उसको आप जल्दी जल्दी चार्ज करने जाओगे तो बैटरी का लाइफ भी कम हो जाएगा और बैटरी का बैकअप भी आपको कम देखने को मिलेगा। सेम उस तरह जब आप बैटरी को डिस्चार्ज करोगे ना, तब आपको 10 वाट पावर को आप जो घंटे में डिस्चार्ज करोगे तो आपको 10 घंटे में ये बैटरी डिस्चार्ज होगा। आप मान लीजिए इसके अंदर 100 वाट पावर है और एक 100 वाट का लोड आप इसके ऊपर डाल दिए हैं, तो कैलकुलेशन कहता है एक घंटा ये 100 वाट लोड को चला गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक घंटा भी चल सकता है, आधा घंटा भी चल सकता है, 15 मिनट भी चल सकता है, कोई गारंटी नहीं है ये कितना टाइम चलेगा। लेकिन दोस्तों इस तरह हैवी लोड डालने की वजह से बैटरी के सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और आपको बैटरी बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बैटरी खराब भी हो जाएगा और आपको बैटरी का बैकअप भी आपको कम देखने को मिलेगा। खास करके हमारी घर में जो सिंगल इन्वर्टर बैटरी होता है दोस्तों, ये सारी बैटरी दोस्तों घर की लाइट, फैन, टीवी, कंप्यूटर ये सब वगैरह चलाने के लिए बनाया गया जाता है दोस्तों। लेकिन कोई कोई लोग ऐसा करता है, उस बैटरी से अपना मिक्सर ग्राइंडर चला लेते हैं, हीटर वगैरह, वाटर हीटर चला लेते हैं, आयरन मशीन चला लेते हैं, तो आपको कभी भी इस तरह की लोड को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करना है। अगर आप इस तरह की हैवी लोड को चलाना चाहते हो तो आप लिथियम आयन बैटरी की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों बैटरी का बैकअप कम होने के पीछे तीसरा जो बड़ा रीजन है, बैटरी का मेंटेनेंस ना करना। दोस्तों एक लेड एसिड बैटरी मेंटेनेंस ना के बराबर होता है, सिर्फ हमें समय समय पर आके बैटरी का वाटर लेवल को चेक करना पड़ता है। अगर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है या फिर बैटरी अगर ड्राई हो जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों बैटरी खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है और बैटरी का बैकअप भी आपको कम देखने को मिल सकता है।
और कभी कभी आप लोग देख सकते हो बैटरी के दो टर्मिनल में सल्फेशन की वजह से इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। ये एक्चुअली होता है बैटरी ओवरचार्ज हो जाने की वजह से, या फिर बैटरी जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तब हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस सल्फेशन को रोकने के लिए आपको एक अच्छा इन्वर्टर या फिर अच्छा चार्जर से बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। और दोस्तों आप बैटरी के दो टर्मिनल में ग्रीच या फिर वेसलिन जैसा चीज़ें लगा सकते हो। इससे क्या होता है दोस्तों, बैटरी के साथ जो लोड का जो कनेक्टिविटी सही रहता है। दोस्तों बैटरी का बैकअप कम होने के पीछे नेक्स्ट जो रीजन है बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। अगर दोस्तों जहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पे दोस्तों बैटरी के अंदर कोई फॉल्ट रह जाता है तब भी दोस्तों हमें बैटरी से बैकअप कम मिलता है। लेकिन दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है, ना के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं बैटरी को किस तरह से चेक किया जाता है। लेकिन दोस्तों बैटरी को चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक लेड एसिड बैटरी में मेन जो दो कंपोनेंट होता है वो है लेड और सल्फ्यूरिक एसिड, और ये दो चीज़ें हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। तो जब भी आप बैटरी को चेक करेंगे अपना सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए, आप हैंड ग्लव्स पहनिए, नोज मास्क पहनिए और सेफ्टी गॉगल्स का भी इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास फिलहाल ये कोरोना वाला हेलमेट था, मैं फिलहाल इसका इस्तेमाल करूँगा। तो चलिए दोस्तों बैटरी को किस तरह से चेक किया जाता है हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों एक बैटरी को चेक करने के लिए आपको दो मीटर की आवश्यकता होगी, एक है मल्टीमीटर जिसके जरिए हम लोग बैटरी का वोल्टेज को मेजर करेंगे, और दूसरा है हाइड्रोमीटर जिसके जरिए हम लोग बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करेंगे। अगर आपके पास इन दो मीटर में से कोई एक मीटर भी होता है तो भी आप बैटरी को चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ज़्यादा डिटेल में आपको चेक करने के लिए आपको दो मीटर की आवश्यकता होगी। दोस्तों बैटरी को चेक करने से पहले आप ये इंश्योर कीजिए बैटरी कम से कम 10 से 12 घंटे विदाउट लोड में एक अच्छे इन्वर्टर या फिर अच्छे चार्जर से चार्ज किया गया है, और चार्ज होने के बाद दोस्तों उसको कम्प्लीटली खोल के आप बैटरी को चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा बैटरी है जिससे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। दोस्तों बैटरी को चेक करने के लिए सबसे पहले आप मल्टीमीटर को बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट करके बैटरी का वोल्टेज को मेजर कीजिए। दोस्तों एक विदाउट लोड में एक अच्छे बैटरी का वोल्टेज हमेशा 11.9 के ऊपर होना चाहिए। अगर बैटरी वोल्टेज 10 के नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब चलिए दोस्तों हम लोग बैटरी के हर एक सेल में स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करेंगे। दोस्तों एक 12 वोल्ट के बैटरी में 6 सेल होता है, और 6 सेल में हम लोग ग्रेविटी मीटर को अलग अलग करके डीप करके हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करेंगे। दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के टाइम आप देखिए एसिड का कलर कलरलेस होना चाहिए, मतलब एक अच्छे बैटरी का एसिड का कलर कलरलेस होना चाहिए। अगर वहाँ पर आपको ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का दिखता है कला तो इसका मतलब है उस पार्टिकुलर सेल में करोजन होना शुरू हो गया है और वो बैटरी बहुत ही जल्दी खराब होने वाला है। दोस्तों एक अच्छे बैटरी का हर एक सेल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 1.240 प्लस माइनस 0.01 रेंज में होना चाहिए। दोस्तों बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के टाइम अगर आपको हर एक सेल में सही रीडिंग मिलता है तो इसका मतलब है बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी सही है, और अगर आपको सही रीडिंग नहीं मिलता है, मान लीजिए किसी एक या फिर दो सेल में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम दिखता है, तो हम लोग एक्सटर्नल चार्जर से बैटरी को चार्ज करके स्पेसिफिक ग्रेविटी को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छे चार्जर से चार्ज करने के बावजूद भी बैटरी का ग्रेविटी सही नहीं होता है, या फिर बैटरी का हर एक सेल का ग्रेविटी सही है लेकिन फिर भी आपको बैकअप नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है बैटरी का किसी एक पर्टिकुलर सेल या फिर दो सेल में प्रॉब्लम हो गया है। दोस्तों इसको चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर से अलग अलग करके हर एक सेल का वोल्टेज को हमें चेक करना पड़ता है। दोस्तों एक 12 वोल्ट के बैटरी में, मतलब अच्छे बैटरी में हर एक सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट के आसपास होता है। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा किस तरह से मल्टीमीटर के जरिए हम लोग हर एक सेल का वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज को चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव वायर है उसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद दोस्तों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास में जो सेल होता है मल्टीमीटर के नेगेटिव वायर को हम लोग उसमें डीप करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो 1.6 वोल्ट के आसपास इसका वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों इस सेल का डिसीजन हम लोग आखिर में लेंगे। उसके बाद दोस्तों सेल वन में मल्टीमीटर का पॉजिटिव वाला वायर को हम लोग डीप करेंगे, और सेल टू में मल्टीमीटर का जो नेगेटिव वाला वायर उसमें हम लोग डीप करेंगे। तो ये जो रिजल्ट आता है ये दोस्तों 2 वोल्ट के आसपास आप देख सकते हो, ये हो गया सेल टू का रिजल्ट। अब इस तरह से हम लोग चेक करते करते जाएंगे, और आखिर में दोस्तों सेल सिक्स में हम लोग मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे डीप करेंगे, और मल्टीमीटर का जो नेगेटिव वायर है वो हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो 0.4 के आसपास रीडिंग हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो पहले जो सेल का हमने मीटर में रीडिंग लिया था 1.6, और यहाँ पे दोस्तों आखिर में जो आप देख रहे हो 0.4 वोल्ट, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, और इसका ये दोस्तों जो रिजल्ट आता है ये हो गया है सेल वन का वोल्टेज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक अच्छे बैटरी है, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो अप्रोक्सीमेट हर एक सेल में हमें 2 वोल्ट करके देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे दोस्तों बैटरी चेक करने का जो आखिरी जो कंडीशन आता है, आपने बैटरी का वोल्टेज भी चेक कर लिया सही है, बैटरी का ग्रेविटी भी चेक कर लिया सही है, आपने हर एक सेल का वोल्टेज भी चेक कर लिया, वहाँ पे भी आपको रिजल्ट सही दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपका बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है।
तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर बैटरी के अंदर एक सेल में या फिर दो सेल में प्रॉब्लम आता है और जब हम लोग उसको विदाउट लोड में चेक करते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैटरी के साथ छोटा इन्वर्टर के थ्रू आपको एक लोड कनेक्ट करना पड़ेगा और लोड के चलते हुए आप बैटरी को फिर से पर्टिकुलर एक एक सेल को आप चेक कीजिए, तो यहाँ पे आपको 100% रिजल्ट दिख जाएगा। अगर किसी ना किसी सेल में प्रॉब्लम है तो उस सेल का वोल्टेज आपको कम देखने को मिलेगा। दोस्तों इस तरह से ही दोस्तों एक लेड एसिड बैटरी को चेक किया जाता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आपको बैटरी के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे पाया हूँ। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। चलिए दोस्तों फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।